कॉलीलिथियासिस, पित्त के पथरी की समस्या या फिर गाल ब्लडर स्टोन, जितने भी पेशेंट इससे परेशान हैं, मैं उन्हीं के लिए वीडियो लाया हूं। और ऐसे पेशेंट जो कि अपने गाल ब्लडर को ऑपरेट कराने जा रहे हैं या फिर सर्जरी करवाने जा रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। बहुत सारी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हमने इसमें जिक्र किया है, और ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो की सहायता से आपकी गाल ब्लैडर स्टोन सर्जरी कराने से बच जाए। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। मैं डॉक्टर सितेश सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल जर्मन होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पित्त की पथरी और पित्त की थैली है क्या? लीवर के नीचे, आपके राइट साइड में लीवर के नीचे एक छोटा सा बलून शेप स्ट्रक्चर या फिर पियर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि बाइल यानी कि पित्त स्टोर होता है। पित्त का कलर ग्रीनिश हो सकता है, येलोविश हो सकता है, किसी किसी केस में ब्लूइश भी हो सकता है, स्टोरेज का काम है। साथ ही साथ जब भी ज़रूरत होता है इंटेस्टाइन में, तब ये बाइल, कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से जो है इंटेस्टाइन में सिक्रीट होती है। कभी कभी इसके जो पियर लाइक स्ट्रक्चर हैं या फिर बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं, इसमें सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म या फिर सॉलिड मटेरियल जमा हो जाता है, या फिर इसके जो कॉमन बाइल डक्ट हैं, जिसको आप इसको नेक उसका कह सकते हैं, गाल ब्लैडर का नेक कह सकते हैं, उसमें जमा हो जाने की वजह से इस पित्त को सिक्रीट होने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, सिक्रीशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और वही प्रॉब्लम पेन के रूप में बाहर आती है। तो दोस्तों, जो स्टोनी हार्ट या फिर जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसको पथरी कहते हैं, और जो पियर लाइक शेप होता है या फिर बलून लाइक शेप है इसको कहते हैं गाल ब्लैडर। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं उस पर ध्यान देते हैं। सिम्टम्स हैं, आपके राइट साइड में लीवर के नीचे बहुत तेज पेन होना, सीवियर पेन होना। दूसरा कारण है ये पेन आपका अगल बगल में यानी कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी भी तरफ मूवमेंट हो सकता है, इसकी वजह से कमर में भी दर्द हो सकता है, आपकी जांघ की तरफ भी दर्द हो सकता है, आपके बैक साइड में राइट साइड स्कैपुला में भी दर्द हो सकता है, वोमिटिंग सेंसेशन हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, पेट दर्द भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा चुभने वाला पेन हो सकता है, आपका स्टमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा हो सकती है, गैस का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, रेस्टलेसनेस की समस्या हो सकती है। इसके लिए दोस्तों ज़रूरी है कि आने वाले हर एक दो महीने में आप USG एब्डोमेन यानी कि अल्ट्रासाउंड पेट का करवाते रहें। कॉजेस क्या है, कारण क्या क्या है? पहला कारण है कोलेस्ट्रॉल का हाई हो जाना, दूसरा कारण है बिलिरुबिन का लेवल हाई होना, तीसरा कारण है पानी बहुत ज़्यादा कम पीना, अगला कारण है कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करना, फीमेल्स कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करती हैं जिसकी वजह से गाल स्टोन हो सकता है, अगला कारण है डायबिटीज की समस्या, उसके बाद का कारण है ओबेसिटी या फिर मोटापा, अगला कारण है नॉनवेज का सेवन बहुत ज़्यादा करना या फिर घी, चर्बी, मसाला, तेल मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाना। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं दोस्तों जिसके वजह से गाल स्टोन हो सकता है। होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम आपको अब जानकारी देंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और बिना किसी सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन में वो क्षमता होती है कि आपके गाल स्टोन को ये बाहर निकाल दें। तो दोस्तों, पहली मेडिसिन है कैल्केरिया कार्ब। कैल्केरिया कार्ब की जो पेशेंट होती है दोस्तों, वो थोड़ी मोटी होती है, थुलथुली होती है, गोरी होती है, यानी कि फैटी, फ्लेयर एंड फ्लैबी। साथ ही साथ आपके राइट साइड में जहां पर गाल ब्लैडर होता है, लीवर के ठीक नीचे, वहां पर बहुत तेज दर्द होता है, वो दर्द ठीक उसके अपोजिट साइड में, बैक साइड में जा सकता है और वो स्कैपुला तक आ सकता है, राइट साइड में आपके कंधे तक भी दर्द आ सकता है। फीमेल के केस में आप देखिएगा तो वो दर्द जो है लेफ्ट और राइट ब्रेस्ट दोनों की तरफ जा सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, पेट के किसी भी एरिया में भी दर्द हो सकता है, काफी सीवियर पेन होता है, बहुत तेज पेन होती है दोस्तों। कैल्केरिया कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जो कि पथरी बनने की टेंडेंसी को रोक देती है, स्टॉप कर देती है। डोजेज कैल्केरिया कार्ब 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार, 3 से 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है चाइना। चाइना बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है गाल ब्लैडर स्टोन के लिए। अगर आपको स्टोन की समस्या के साथ साथ, पेट दर्द के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस यानी कि गैस की समस्या बन रही है, बहुत ज़्यादा पेट में गैस भरा हुआ है,
गैस बाहर की तरफ नहीं निकल रहा है, गैस पूरे पेट में ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर आपको ऊपर नीचे आगे और पीछे सेंटर में हर तरफ दर्द महसूस हो रहा है। दर्द आपका बैक साइड में भी जा रहा है, कभी कभार ये दर्द जो है आपका ऊपर की तरफ भी आ रहा है, बेल्चिंग हो रही है। तो इस कंडीशन में चाइना 30 पोटेंसी बहुत ज़बरदस्त कार्य करती है। आपको 3 बार लेना है, दिन भर में 3 से 4 बूंदें डायरेक्ट टंग पर। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों, ये बहुत अच्छा कार्य करती है। मेडिसिन का नाम है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया पित्त पथरी के दर्द में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको किस पेशेंट को दे सकते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जब दर्द आपके राइट साइड में गाल ब्लैडर के पास हो और वो दर्द चारों तरफ फैले, अगल बगल ऊपर और नीचे चारों तरफ, महिलाओं के केस में ये लेफ्ट और राइट ब्रेस्ट के तरफ भी दर्द जा सकता है, पीछे भी जाए, ऊपर भी जाए और नीचे लोअर एब्डोमेन के भी तरफ जाए, आप इसको यूं मान सकते हैं कि आपको जहां पे दर्द हो रहा है उसको सेंटर मान लीजिए और उसके तरफ चारों तरफ दर्द छिटक रहा है, और दर्द वाले जगह को थोड़ा सा प्रेशर डालने पर दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, आराम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे लोग डायस्कोरिया 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार 3 से 4 ड्रॉप डायरेक्ट टंग पर लेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी दिन भर में 1 बार सुबह सुबह खाली पेट। लाइकोपोडियम एक ऐसी दवा है जो कि राइट साइड में बहुत अच्छा कार्य करती है। साइड वाइज अगर देखेंगे तो राइट साइड में बहुत अच्छा कार्य करती है और लीवर के ऊपर इसका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होता है दोस्तों। दोस्तों लाइकोपोडियम हर तरह के पथरी के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। 200 पोटेंसी सुबह सुबह डायरेक्ट टंग पर 2 से 3 बूंदे रोज लेंगे आप। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर, चेलिडोनियम मदर टिंचर, साथ ही साथ कार्डुअस मेरियानस का मदर टिंचर। तीनों मेडिसिन 30-30 ml इक्वल प्रोपोर्शन में 100 ml के बॉटल में आप लेंगे, उसको बढ़िया से शेक करेंगे और दिन भर में 3 बार खाली पेट कम से कम 15 से 20 बूंदे आप थोड़े से ल्यूक वार्म वाटर यानी कि हल्के गर्म पानी में उसको डाल करके पिएंगे, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। इन तीनों मेडिसिनों के बारे में मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। बर्बेरिस वल्गेरिस जो मेडिसिन है ये सभी तरह के पथरियों पर आउटस्टैंडिंग कार्य करती है, सभी पथरियों को तोड़ करके छोटा छोटा बना करके कणनुमा बना करके स्मॉल पार्टिकल्स में ये बाहर निकाल देती है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। कार्डुअस मेरियानस और साथ ही साथ चेलिडोनियम ये लीवर के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, ये लीवर को डिटॉक्स करती है, साथ ही साथ लीवर के ऊपर में बहुत अच्छा कार्य करती है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों कोलेस्टेरम 3x। कोलेस्टेरम 3x एक ट्राइट्यूरेशन टैबलेट है जिसको 2-2 टैबलेट दिन भर में 3 बार आपको डायरेक्ट टंग पर रख करके चूसना है। ट्राइट्यूरेशन टैबलेट जो है कोलेस्टेरम, यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती है, बिलिरुबिन के लेवल को कम करती है, साथ ही साथ यह लीवर के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है। लीवर को एक तरह से ये उसमें जो भी फैट डिपॉजिट होता है, जो भी उसमें बिलिरुबिन का लेवल हाई रहता है, सभी को अंडर कंट्रोल लेके आती है। दोस्तों मेरे फॉर्मूले के बारे में, जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले तो हम उसकी साइन और सिम्टम्स को इकट्ठा करते हैं, उसको लेते हैं, फिर नेचर उनका देखा जाता है और कौन से मेडिसिन के अंडर में कौन सा पेशेंट फॉल करता है फिर उसको डिसाइड किया जाता है। लेकिन एक कॉमन मेडिसिन की बात करें तो मैं उसको लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी सुबह सुबह खाली पेट 2 से 3 बूंदे देता हूँ। कैल्केरिया कार्ब की 30 CH पोटेंसी के दिन भर में 3 बार देता हूँ, साथ ही साथ मैं चाइना 30 पोटेंसी और डायस्कोरिया डिपेंड करता है कि मैं उसको दूं या ना दूं। इसके अलावा जो स्पेसिफिक मेडिसिन है 3 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताया आपको, वो देता ही देता हूँ। कोलेस्टेरम 3x मैं देता हूँ। तो ये रहा मेरे फॉर्मूले के बारे में। लास्ट में मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपको लाभ कम मिल रहा है या आपकी अपेक्षा से भी कम मिल रहा है, तो आप किसी भी डॉक्टर, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के सुपरविजन में दवाओं को ले तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप चाहते हैं, अगर आप चाहें तो आप हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। हमारा नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा है। और अंत में आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर निश्चित रूप से करें, यह हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। साथ ही साथ हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।